समस्तीपुर में एक होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा अवैध रूप से दवा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा संचालित इस अवैध दवा फैक्ट्री और क्लिनिक पर औषधि निरीक्षक की टीम ने रेड किया। औषधि निरीक्षक की टीम के पहुंचते ही डॉक्टर और क्लिनिक के अन्य स्टाफ मौके से फरार हो गए। टीम ने क्लिनिक में रखे दवा एवं अन्य सामानों की जाँच पड़ताल किया। उसके बाद जाँच टीम क्लिनिक से थोड़ी दूर पर स्थित डॉक्टर के उस अवैध दवा फैक्ट्री पर पहुंची, लेकिन वहां ताला जरा होने के कारण बिना उसे सील किए बेरंग लौट गई। इस क्लिनिक में चोरी छिपे अवैध अल्ट्रासाउंड का भी काम किया जा रहा था, लेकिन जांच के लिए पहुंची टीम ने इस मामले में महज खानापूर्ति की है। टीम ने न तो मौके पर दवा से कोई सैंपल कलेक्ट किया और न ही क्लिनिक और फैक्ट्री को सील किया। औषधि निरीक्षक के इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वह इस क्लिनिक के संचालन कर रहे डॉक्टर का बताना है कि वो होम्योपैथिक पद्धति से मरीजों का इलाज करते हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की दवा नहीं बनाई जाती है। इधर जांच के लिए पहुंची औषधि निरीक्षक का बताना है कि एडीआई के निर्देश पर होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक पर जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां डॉक्टर स्टाफ फरार है। कई बार फोन करने के बाद भी डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हालांकि इस सब के बाद समस्तीपुर टाउन मीडिया औषधि निरीक्षक टीम से कई सवाल पूछ रहा है। आखिर इतने लंबे अरसे से शहर में चल रहे इस अवैध दवा फैक्ट्री की भनक उन्हें क्यों नहीं लगी? क्या डॉक्टर के द्वारा दवा बनाने का कोई लाइसेंस लिया गया था? क्या अल्ट्रासाउंड के लिए तय मानकों को पूरा किया जा रहा था? टीम ने क्लिनिक में रखे दवा के सैंपल को कलेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसे में अब देखना है कि जिला प्रशासन और औषधि निरीक्षक के द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। सूचना एडीसी के थ्रू से सूचना प्राप्त हुआ था कि एक होम्योपैथ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा था, लेकिन वहां से जो हमको पेपर वगैरह या जो भी मिला उस हिसाब से ये इस दुकान का वीडियो, इसलिए इस दुकान पर मैं हम लोग आए टीम के साथ। तो आने के बाद जिस वक्त आए उस वक्त से डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया, रिंग हुआ लेकिन वो उठाए नहीं, रिसीव नहीं किया गया उनके द्वारा। कितनी बार आपने कॉल किया था? बहुत बार, करीब 10-12 बार कॉल किया गया। और इसके स्टाफ, इनके एक स्टाफ लेडीज थी, वो भी बहुत बार किया, उनके द्वारा भी किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, इसलिए उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ऐसा सूचना है कि उनके द्वारा जो है एलोपैथ की दवा जो है निर्माण, खुद वो निर्माण करते हैं, वो एक जगह है जहाँ, क्या कुछ पूरा मामला है वो तो आप जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट बात है क्या। वो यहाँ खुद जाँच उच भी करते हैं, वो एक्सरे मशीन भी रखे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। यहाँ पर तो अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह तो नहीं मिला हमें, है ना, उसके लिए उसके लिए तो फिर बेड वगैरह सब चाहिए अल्ट्रासाउंड के लिए, तो सब तो जगह यहाँ कुछ नहीं अवेलेबल मिला। क्या नाम हुआ? कितने वर्षों से? डॉक्टर आनंद कुमार। कितने वर्षों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1990 से। किस पद्धति से करते हैं? कौन सी पद्धति? किसकी रोग का इलाज करते हैं? इस घर के बचाए जो भी रोग। अच्छा, दवा वगैरह किस तरह की दवा उपयोग करते हैं? होम्योपैथिक में डायल्यूशन, टेंशन, बायोकेमिक। इसमें दवा वगैरह खुद से परचेज करते हैं या खुद की? खुद की मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? नहीं, कोई भी दवा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग नहीं। क्या नाम बताए थे? डॉक्टर आनंद कुमार।